Hey guys, hopefully you're doing great और thank you for supporting. बस 5 वीडियो डालो और 1500 प्लस सब्सक्राइबर मिल गया, तो इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का. तो मैं बताऊँगा आज के सबसे अच्छा मंजा मेरे लिए कौन सा है जो मुझे अच्छा लगता है. और उससे पहले कुछ नया नया खरीदा था भाई, तो सोचा शेयर कर लूँ आप लोगों से. ठीक है, जो पहला है ये है बट्टू भाई का है, ये बस परसों ही ख़रीदा. ठीक है, बट्टू भाई का है, ये लखनऊ का नंबर वन मेकर है. ये फजल का है, ये अभी अभी बहुत चल रहा है, हर जगह इन्हीं का आप चरखी देखोगे. ठीक है, ये है इमरान भारती और इरशाद भाई का. ठीक है, मुझे बोला गया है कि ये YKC का मेकर्स है. ओके, ये एक बहुत ही स्पेशल मंजा है, डबल कोटेड. मुझे पता नहीं आप मंजा अच्छे से कलर देख पा रहे हो या नहीं. ये डबल कोटेड मंजा है, ये है किसका, हाँ अमर मंसूरी का. ठीक है, देखिए कोटिंग PMKC का, मतलब ख़रीदा जहाँ से हो, नॉर्मली सभी मेरा उसी दुकान से है. ये धूला मंजा है. ठीक है, ये है सिकंदर नदीम का, ये भी आपका इसका मेकर है जाफरी का. ठीक है, हाँ बहुत कोई बोल रहा था जाफरी का मंजर किसी को नहीं मिल रहा है, तो अभी जाफरी का मंजर शायद TN काइट बोल के एक दुकान में है कोलकाता में, अगर आप हो वो आपका है मेटिया ब्रूज में. ठीक है, आप गूगल सर्च कर सकते हो और उधर फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा आपको. ठीक है, नहीं भी हो सकता है वो, अभी पता नहीं सही मिल रहा है या नहीं. मैं उस्मान जाफरी के साथ बात किया हूँ, मतलब जो उनका उनका लड़का है, तो होपफुली मुझे भी मिल जाएगा. अभी टूर्नामेंट से पहले कोई लेके आएगा तो मुझे मिल जाएगा. और ये सलीम का मंजा है, ये बहुत ही खास मंजा है, ये मेरा सेकेंड चरखी है. ठीक है, पहला वाला मैं एक ही पैच खेला और एक भैया ने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती ले लिया, और ये मेरा सेकेंड चरखी है, बहुत ही शानदार है. ठीक है, अगर बेस्ट मंजा का बात करूँ तो भाई ये अभी है. ठीक है, लकीली अगर आप लोग कोलकाता में रहते हो तो आपको PMKC में मिल जाएगा. ठीक है, पावर मास्टर काइट सेंटर. अच्छा, ये कोई प्रेड प्रमोशन नहीं है पहला बात तो उनका. ठीक है, बट हाँ ये मुझे 1600 का मिला है, और ट्रस्ट मी गाइस इससे बेटर मुझे शायद ही अभी कोई मिलेगा. कैसे करके बनाया पता नहीं भाई, गलत भी पैच खेल रहा हूँ तो दूसरा लोग कट जा रहा है. ठीक है, सलीम का है, हाँ उनका नंबर है, बहुत कम फ़ोन उठाते हैं, आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब फ़ोन करके, क्योंकि उनका उनका बैंक का कोई ये भी नहीं है कि आप डायरेक्ट पे कर दो तो वो दे दे. अगर आप बैडली में रहते हो तो जाके ले सकते हो, लेकिन अगर कोलकाता या बाहर रहते हो तो ये बहुत टफ है कि इनके से मंजा लेने के लिए. ठीक है, लकीली अभी इनके पास तो है, दमदम के पास, देवाशीष दा के पास, किसी को चाहिए तो ले लो यार जब तक है. अभी दूसरा वाला भी आएगा तो मैं बोला हूँ, इनका चरखी तो हमेशा मैं दो रखूँगा, इतना श्योर है, इतना मस्त है ये. ठीक है, और बाकी बहुत सारा नहीं हो रहा है, दिखे रहे होंगे, ये नया है, ये नया है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है. ठीक है, ये सब बुराएंगे तो पता चलेगा, अभी तो थोड़ा 3-4 महीना और रहने दूंगा. जो बेस्ट मंजा है भाई यही है. ठीक है, 1600 का मिला है मुझे, हाँ 2200 का है ये वाला है. हाँ बहुत कोई बोल रहा था कि YKC ओरिजिनल है या नहीं, कैसे पता चलेगा, तो ये वाला चीज़ है. ठीक है, अगर ओरिजिनल होता है तो ये ब्लैक वाला लिखा रहता है, ब्लैक वाले में उनका साइन रहता है, डेट रहता है, ये डेट के साथ ये वाला डेट मैच होना चाहिए. ठीक है, वो देख लीजिएगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उस हिसाब से आप खरीद सकते हो. ये अगर है उसमें, हाँ ये नहीं रहता है, वो उसका टैग रहता है, ये 11925 है तो उसका टैग है. ओके, और ये बहुत शानदार मंजा है. अच्छा, क्या डिफरेंस है यार, ख़राब मंजा है तो आप अच्छा मैच खेलोगे तब भी कट जाओगे, तो उसको मैं ख़राब मंजा बोलता हूँ. अच्छा मंजा होता है वही जो अगर हाँ पहला गलत भी खेल देते हो तो आपको फिर से चांस मिल जाता है उसको रिकवरी करने का. ठीक है, तो वो होता है अच्छा मंजा. और सबसे अच्छा मंजा जो आज के बात करूँगा तो वो है अगर आप गलत भी पैच खेल रहे हो तब भी, हाँ रिकवरी तो कर ही पाओगे, या कभी कभी यार दूसरे का भी मंजा कट जाता है. ठीक है, तो पहला नंबर पे ये है. ये पहला नंबर पे क्यों है, तो पहला तो बहुत सस्ता नहीं है, ये मिड रेंज का है, 1600. कोलकाता में तो यार ऐसे ही 1500 के नीचे या 1400 के नीचे मंजा नहीं मिलता है, कहीं कहीं मैं 1200 का भी ट्राई किया हूँ लेकिन उतना अच्छा नहीं है. ठीक है, तो यही है यार, ये सबसे अच्छा है क्योंकि, और इससे महंगा ये है, मुझे 2200 का पड़ा है. ठीक है, ये भी बहुत शानदार है क्योंकि, और ये नंबर 2 में है क्योंकि ये महंगा है.
बहुत। और ये एक है यार डबल कोटेड, फंसाओगे तो यार बहुत मस्त मंजा है। मैं तो नॉर्मली सब फंसा के ही खेलता हूँ क्योंकि यार बुढ़ा लोग का पैंस देख के भरा हुआ है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो उनका जैसे ही स्टाइल हो गया मैं सब कुछ फंसा के करता हूँ। हवा कम रहता है तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है टान के छोड़ के, मतलब खींच के छोड़ के, नहीं तो फंसा के खेलता हूँ। ठीक है। अच्छा, बहुत कोई बोल रहा था कि 6 कॉर्ड क्या है, 9 कॉर्ड क्या है, डिफरेंस क्या है। हाँ, तो 6 कॉर्ड मतलब आप देख पा रहे होंगे कि 6 तो तार है। ठीक है, मतलब सिंगल को ही खोल के जो भी आपका ऐसे सूता है, आप इसको सिंगल है, इसको अगर आप खोलने की कोशिश करो ठीक है, तो आपको ऐसे 6 तो तार मिलेगा, इसका मतलब 6 कॉर्ड। अगर ज़्यादा मिलता है तो वो ज़्यादा है, 9 कॉर्ड होता है, 12 कॉर्ड भी होता है। ठीक है, यही धागा का आप इसको खोल के देख सकते हो। ठीक है, ये 6 कॉर्ड है क्योंकि इसमें 6 तार है, ब्लैक में शायद समझ में आएगा। ठीक है, यही है। और भाई मंजा सेम ही है भाई, ये धूला है। अच्छा, मैं जो भी बोल रहा हूँ यार, गलत पैंच या सही पैंच, ये मतलब क्या है? अगर देखो, मैं जब भी ये पैंच के बारे में बोलता हूँ तो ये नॉर्मली हम लोग इसके बारे में, आज हम लोग मैदानी के बारे में बात करेंगे, मैदान वाले में, ग्राउंड से। ठीक है, क्योंकि उधर क्या होता है, पैच थोड़ा टाइम लगता है कटने में या बहुत देर तक चलता है। ठीक है, छत का जो पैच होता है वो आप घर से बना के भी जो मंजा उड़ाओगे उससे भी आप कोई भी महंगा मंजा को भी काट सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आपका रिजल्ट मिल जाता है, आप सही खेले या गलत खेले उसी टाइम पर रिजल्ट। लेकिन जब आप मैदान में खेलते हो तो उसमें स्पेशली आप फंसा के खेलते हो, ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, आपका पैच बहुत दूर तक चलता है। ठीक है, तब महंगा मंजा या फिर अच्छा मंजा काम करता है। ठीक है, क्योंकि कितना धार है या कितना नहीं है तब पता चलता है। ठीक है, तो आप लोग छत पे उड़ा रहे हो यार, कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाथ से भी देके कर सकते हो। और अगर आप मैदान में उड़ा रहे हो तो हाँ आपको, और अगर आप फंसा के खेल रहे हो तो आपको अच्छा मंजा चाहिए। ठीक है, और हाँ, ये एक पंडा ख़रीदा था, ये पूछ पापुन के लिए था, 14 जैन के लिए। ठीक है, ये था फिदा हुसैन का पंडाइट के ऊपर, ये भी काफ़ी अच्छा है। उड़ा के मैं फिर से गुटा के रख दिया, तीनों मिलके उड़ा रहा था और अभी 2,500 शायद तो बचा है, मतलब 500 ही ख़त्म किया हो, 3,000 का डील था, ये 3,000 का लटाई था। काफ़ी शानदार पांडा है ये। ठीक है, यही है भाई। और होपफुली अभी मैं और भी वीडियो करूँगा। और हाँ, मेरा मोनेटाइजेशन पता नहीं अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी भी दिखा रहा है, रिव्यू कर रहा है वो लोग, पता नहीं। अगर किसी को पता है कि कैसे करके स्टार्ट करना है, ये मोर देन 2-3 वीक हो गया। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कर सकते हो यार मुझे हेल्प करने के लिए कि कैसे करके फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी तो फंस ही चुका हूँ। ठीक है, और होपफुली बहुत सारे वीडियो डालूँगा। ठीक है, देखते रहो यार, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर अच्छा लगता है लाइक कर दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और एक चीज़ बताना है भाई, कि एक चीज़ याद रखना कि मतलब इनएक्सपेंसिव मंजा मतलब बुरा मंजा नहीं होता है, मतलब जिसका प्राइस थोड़ा कम है। लेकिन हाँ, अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसको अच्छा होना ही है, अगर नहीं है तो यार उस दुकान से मत खरीदो और फिर से। ठीक है, अगर महंगा खरीद रहे हो तो अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि उसमें बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल पड़ता है। ठीक है, और कभी कभी तो यार कम महंगा मंजा भी बहुत अच्छा काम कर देता है। अगर बाहर है तो यार सबको पता है शानू चात का 1300 में मिल जाता है, ऐसा बहुत सारा मंजा है, बहुत मस्त मस्त है। ठीक है, तो यही है यार। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।